अरे यार नहीं नहीं अरे सुन बेटा, सुन, मत रो बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। सुन बेटा मेरी बात सुन बेटा, थोड़ा धैर्य रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं तो और क्या करूँ माँ, तुम्हारे कथनानुसार आजीवन सच्चाई की राह पर चलकर काम करते आया हूँ। मैं तो कभी भी किसी आदमी को आज तक नहीं ठगा हूँ, इसके बावजूद भी हम लोगों को इतना कष्ट क्यों है माँ? सुन बेटा मेरे मत छोड़ बेटा, दिन रात परिश्रम कर इतना लेवा तैयार किया था, पैसे दिए बिना सब लेवा महाजन लेकर चला गया। सच्चाई से क्या लाभ मिला माँ, आप बताओ। सुन बेटा सुन, सच्चे मन से परिश्रम कर, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल कभी बेकार नहीं जाता है। सुन बेटा मेरी बात सुन। छोड़ो छोड़ो। अरे अरे ये देखो, अरे कहाँ जा रहा है इतना रात को, तू कहाँ जा रहा है तू? शहर जाऊंगा माँ। अरे इतना रात को तू शहर क्या करने जाएगा बेटा? यह लेवा बेचूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इन लेवों को मत बेच बेटा, तू बड़ा शौक से बनाया है ना इसे। क्या करूंगा रख कर इसे, क्या इससे पेट चलेगा? भोजन नहीं मिलेगा, पेट भी नहीं भरेगा, इससे अच्छा है कि शहर चला जाऊं। इसे बेचकर अगर अच्छी कीमत पा जाऊं, कुछ दिन तो खर्च चलेगा। अरे 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 गंगाधर सुन मेरी बात सुन, अरे रुक जरा, देखो देखो इस लड़के को। अरे सुन, चिंता मत करो माँ, कल रात तक ही वापस आ जाऊंगा, अगर अभी नहीं निकला तो सुबह तक शहर नहीं पहुँच पाऊंगा। ओह ठीक है, जाओ सही से जाना बेटा, जय माता जी, ध्यान रखना मेरे बेटे का। कितने दिनों से शौक था, शादी करूंगा और पत्नी को इसी लेवा को उपहार में दूंगा। कितने वर्षों से धीरे धीरे इस लेवा को तैयार किया था और आज थोड़ी सी रोटी के लिए इस लेवा को बेचना पड़ रहा है। हे भगवान, ऐसे भी किसी की भाग्य होती है क्या? बाहर कितनी ठंड है, इस लेवा को अब मैं ओढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने देता हूँ, अभी इसे रहने देता हूँ, शहर ले जाकर इसे बेचना है ना, ओढ़ने से नहीं चलेगा, पुराना हो जाएगा ना। रहने देते हैं। लगता है किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसकी आवाज सुनाई दे रही है? इधर सही तो आवाज आ रही है, जरा चल कर देखू तो। ठंड से कांप रही हो बूढ़ी माँ, तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं है? बेटा नहीं, मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है। बहुत ठंडा लग रहा है। आहारे, आहारे, बहुत ठंडा है बेटा, बहुत ठंडा लग रहा है। यह लो बूढ़ी माँ, यह लो इसे ओढ़ लो। अरे कितना सुंदर, अति अति सुंदर लेवा है, ऐसा लेवा तो मैं जीवन में नहीं देखी हूँ, अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखी हूँ। कितने वर्ष से थोड़ा थोड़ा करके से तैयार किया, शौक था, विवाह करके नई पत्नी को यह दूंगा, लेकिन लेकिन यह तो हुआ नहीं। अरे क्यों, ऐसा क्यों बेटा, बोलो ऐसा कैसे होगा? बूढ़ी माँ घर में बूढ़ी माँ है, अपने तो दो समय खाने को नहीं मिलता है, बूढ़ी माँ को भी बिना खिलाए रखता हूँ, इसलिए निश्चित किया इस लेवा को ले जाकर शहर में बेचूंगा, जो भी कीमत मिलेगी उससे कुछ दिनों का भोजन चल जाएगा। मैं और मेरी माँ यही तो दो प्राणी हैं। अरे
अरे तो फिर मुझे क्यों दे दिए? क्या करता, तुम्हें जो बहुत ठंड लग रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें ठंड से कांपते देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। हाँ, इसीलिए तो आपको दे दिया। तो फिर तुम लोगों का खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? उसका तो पता नहीं, बाद में देखा जाएगा। अब चलूं बूढ़ी माँ, घर चलूं। अब तो शहर जाकर कोई फायदा नहीं है, तो चलता हूँ बूढ़ी माँ। अरे अरे ओ ओ बेटा सुनो, रुको मेरी बात सुनो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बूढ़ी माँ? अरे तुम मुझे इतना सुंदर लेवा दिए हो, तो बदले में मुझे भी कुछ तो देना चाहिए ना। हाँ कुछ दोगी? हाँ क्या दोगी बूढ़ी माँ? ए लो बूढ़ी माँ, अरे यह तो एक चटाई है, इस चटाई से मैं क्या करूँगा? उस चटाई को बिछा के बैठो, तुम्हारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, समझे? हाँ, इस चटाई पर बैठने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मगर सावधान, ज्यादा लालच करोगे तो बहुत ही बड़ी विपत्ति पड़ेगी। नहीं, बूढ़ी माँ, मुझे कोई लालच नहीं है। तो मैं इसके ऊपर बैठता हूँ। हाँ बेटा बैठो, बैठो बेटा बैठो। इस चटाई पर बैठ कर तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, इस ये गुफा की ओर क्यों ले जा रहा है मुझे? हाँ यह तो बड़ा आश्चर्य है। ये मैं कहाँ कर रुका? चारों तरफ सोने चांदी हीरे जवाहरात। अरे वह क्या दिखाई दे रहा है? यह तो सिलाई करने वाली मशीन है। चलो इसे ही घर लेकर चलता हूँ। लेकिन इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात तो पड़े हैं। यह सब तो है ही, लेकिन मैं सिलाई करने वाली मशीन ही लेकर चलता हूँ। ये सोने जवाहरात हीरे मोती मुझे नहीं चाहिए। छोड़ो इन सबको, इस मशीन को लेकर ही वापस चलता हूँ। इतना जल्दी वापिस आ गया तू, वो लेवा बेच दिया क्या? नहीं माँ सुनो तो। ए माँ सुनो ना, उस लेवा के बदले यह मशीन लेकर आया हूँ। हाँ मशीन? हाँ माँ सुनो ना। अरे बहुत अच्छा किया है तू मशीन लेके आया है। इस मशीन से हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर शहर में बेचेंगे, ताकि हम लोगों का बुरा दिन चला जाए, है ना बेटा?
हाँ माँ सुनो ना, अब हम लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ अब जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा माँ। भगवान की माँ किधर गई माँ, अरे इधर आओ तो, अरे देखो ना आज कितनी बड़ी कमाई हुई है माँ। अरे बेटा आज हम लोगों का दुख तकलीफ दूर हो गया बेटा। सुनो माँ, अब हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा माँ। अरे यह तो गंगाधर है, लग रहा है ये कपड़े बेचने जा रहा है। चलो इसे रोक कर पूछता हूँ क्या करता है ये। अरे भाई गंगाधर किधर जा रहे हो? यही कुछ कपड़े हैं, इन्हें बाजार में बेचकर आता हूँ। लग रहा है तुम्हारे कपड़े का व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ भाई थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। यह किस प्रकार संभव हुआ जरा बताओ ना आप। हमें भी अपना कष्ट दूर करना होगा, मैं भी अपने बीबी बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताना चाहता हूँ। अब मुझसे नहीं सहा जाता भाई। रो मत मेरे भाई, मत रो मेरे भाई, मत रो। सुनो अब सुनो। ये क्या बोल रहे हो, यह क्या संभव है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई। जाओ ना तुम खुद जाकर देखो। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आओ जितना सब है, फालतू बात है, इतनी रात में इस जंगल में बूढ़ी औरत कैसे आएगी? वह मूर्ख गंगाधर लगता है हमें भी बेवकूफ बनाया। आ आ आ आ आ आ ओ ओ आ आ आ ओ कितनी ठंड है। किसी की आवाज आ रही है। वही तो बूढ़ी बैठी है। चलो क्यों बूढ़ी माँ कांपती क्यों, ठंड लग रही है ना? हाँ बेटा बहुत ठंडी है आज। यह लीजिए यह लेवा आप ओढ़ लीजिए।
मगर ये तो तुम्हारा चादर है। नहीं नहीं ऐसे लेवे, मेरे पास बहुत है। दो बेटा दो। ठीक है, मतलब इसके बदले में अपनी चटाई मुझे दीजिए। क्या चटाई? हाँ चटाई, मैं सब जानता हूँ, मुझे बुद्धू मत बनाइए, दीजिए जल्दी दीजिए। तो समझी, मैं तुम्हें बहुत ही लालच है। क्या हुआ, दीजिए। अच्छा ए लो लो। धन्यवाद लो। इसके बाद क्या करना होगा जल्दी बताइए। तो उस चटाई के ऊपर बैठ जाओ। तुम तो बहुत ही लालची हो, तुम अपने लालच का फल जरूर पाओगे, जरूर पाओगे, जरूर। वही तो गुफा दिखाई दे रही है। आ आ आ आ आ, कुछ समय बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आ आ वही तो आ, चटाई चटाई मुझे धीरे धीरे उतारो। आ आ आ आ आ ओ ओ ओ आ आ आ वाह, चारों तरफ सोने चांदी जवाहरात बिखरे पड़े हैं। आ आ ओ ओ ओ, जीवन की सारी चिंताएं दूर हो गई। आओ आ आ, मैं ही क्यों, मेरे 14 पुष्ट बैठ कर खाएंगे। आ आ आ आ आ आ, 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 और कुछ नहीं बचा, मैं सब खाली कर दिया हूँ, मैं सब कुछ ले लिया हूँ। आ आ आ, यहाँ थोड़ी मोती पड़ी है, आ इसे भी उठा लेता हूँ। आ आ, सब कुछ ले लिया हूँ, चलो चटाई अब चलो। आ आ आ, अरे अरे यह तो सब नीचे गिर रहा है। आ आ, आ ये क्या हो रहा है, आ आ ये सब कैसे गिर रहा है। बचाओ बचाओ मुझे, अरे कोई है, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। आ बचाओ बचाओ, उचित शिक्षा मिला है और तुम्हारे अत्यधिक लोभ का फल है। नहीं नहीं, मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा, मुझे बचाइए, मुझे माफ कर दीजिए। आ बचाइए बचाइए मुझे, तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं है, तुम इसी समुद्र में डूब के मरो मरो, ज्यादा लालच बुरी बला है। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा, मुझे बचाइए, मुझे माफ कर दीजिए। आ बचाइए बचाइए मुझे। क्या कर बना, जैसी करनी वैसी भरनी। Thank you.